हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और जिसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी वो ये है क्योंकि कल ही आए हैं और आ गए हैं, तो मैंने आज व्लॉगिंग शुरू कर दी है और मैं यहाँ हूँ अपने घर पे। 19 तारीख को मैं आ गई हूँ और यहाँ पे हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी आ गए तो और भी अच्छा लग रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। तो आपने देख लिया होगा इनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। इस बारे में आप कुछ क्या दिखाया आपने? ओके, ये कहने का मतलब था तीन, तो इनके तीन दांत जा चुके हैं इनके, और अभी थोड़े बहुत बचे हैं तो उन्हीं से काम चल रहा है। और आज है संडे। डेट क्या है आज? 24। आज डेट क्या है यार, मुझे मालूम भी नहीं है। नहीं। तो आई थिंक आज 24 है। कल तो कितनी तारीख थी? 23। आज 24, 24। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज 24 है। हाँ, आज 24 है। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। दो दिन बाकी है उसमें, क्या बोलते हैं, 26 दिन। तो इन्हें सब कुछ याद रहता है। और अब आज संडे है तो आज क्या क्या करने वाले हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और फिलहाल तो सो के ही नहीं उठे हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, हम लोग अभी बिस्तर में ही पड़े हुए हैं। तो और 7:30 बज रहे हैं और उनका कार्टून शुरू हो चुका है। कौन सा कार्टून चल रहा है इनका वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सुबह सुबह उठ के मेरी नींद खराब कर दी सुबह सुबह कार्टून लगा के। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, दिखा रहे हैं, दिखा आपको इनका कार्टून दिखा देते हैं। ये कौन सा कार्टून देख रहे हैं जिसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई है? कार्टून जिसकी वजह से मेरी नींद खराब हो चुकी है और अब उठ ही जाते हैं, क्योंकि रोज मैं 8 बजे सो के उठती थी, 8:30 बजे उठती थी, पर आज 7:30 बजे ही उठ रही हूँ। तो बस चलिए उठते हैं और देखते हैं क्या खाएंगे आज आप। हम खाएंगे पास्ता। इनकी तो फरमाइशें अलग ही रहती हैं। तो आज संडे है और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक के पकौड़े, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। पास्ता शाम को बनाएंगे ना, मेरे पास्ता भी खाने का मन है, पास्ता मैं शाम को बनाऊंगी। फिलहाल मैं सुबह सुबह चाय पे खाने के लिए सबके लिए मैं पालक के पकौड़े बनाने वाली हूँ। शिट कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे और मैं आगे मिलती हूँ। बस उठती हूँ, ब्रश व्रश करती हूँ, उसके बाद में चाय की तैयारी करते हैं। कम गाइस, एंजॉय संडे। बाय टाटा। बाय, क्यों कर रहे हो? सारा दिन पड़ा है, पागल है थोड़ा। तो संडे की सुबह है और आज मैंने पालक पकौड़े जैसा कि बनाने के लिए बोला था तो वो मैंने शुरू कर दिया है। यहाँ पे पालक और प्याज मैंने रात में ही काट लिया था और उसके बाद इसमें बेसन डाला, ज़ीरा डाला, हरी मिर्ची काट के डाली और उसके बाद इसमें हरा लहसुन भी डाल दिया क्योंकि सीज़न है तो अच्छा लगेगा खाने में। थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और उसके बाद नमक अपने स्वाद के अनुसार मैंने डाला है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और उसके बाद इन सबको मिक्स कर देना है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पालक अपना पानी भी छोड़ता है। तो ये देखिए बैटर मेरा तैयार हो गया है, इतना थिक बनाया है। और उसके बाद मैंने पकौड़े बनाना शुरू कर दिया। बहुत ठंडी है तो पालक पकौड़े चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। साथ में मैंने चाय भी बना ली है और चाय और पकौड़े का मज़ा लिया हम लोगों ने। मेरी गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बन के कुछ ऐसी रेडी हुई हैं। उसके बाद संडे के लंच के लिए मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने मसाला पकाते टाइम वीडियो शूट किया, सॉरी गाइस, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कोई था नहीं जैसा कि मैंने बताया था। और उसके बाद ये रहा मटर पनीर, मैंने फ्राई कर लिया है और उसके बाद इसको भी मसाले में डाल के अच्छे से भून लिया है। और मटर पनीर के साथ मैंने बनाया था राइस पराठा। तो राइस पराठा चावल के आटे का पराठा मैंने बनाया था और यहाँ पर सब्ज़ी को मैं अच्छे से भून रही हूँ। और अच्छे से भूनने से उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, थोड़ा टाइम लगता है पर अच्छी सब्ज़ी बनती है। मटर पनीर तो वैसे भी सबको बहुत ही पसंद होती है। यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल दिया है और उसके बाद फिर मेरी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी।
मतलब कि बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई डाल दी थी जिससे कि इसका स्वाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिल्कुल एक चटपटा स्वाद आएगा इसमें और मलाई से इसमें जो रिचनेस है वो आ जाएगी। थोड़ी सी पानी डाल दिया था मैंने और उसके बाद हरा धनिया काट के डाल दिया, बस। तो मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं घर आई थी, तो सबका कुछ ना कुछ करना ही था, तो मम्मी का एब्रो मुझे सेट करना था। तो बस दोपहर के टाइम थोड़ी सी धूप निकली तो हम लोग एब्रो सेट करने के लिए छत पे बैठ गए, और यहाँ पे मैं मम्मी का एब्रो सेट कर रही हूँ। हम के बज रहे हैं 6 और हम लोग यहाँ पे आग सेकने के लिए बैठे हैं। साथ में ये मेरी सिस्टर जिसकी जल्दी में शादी हुई है, और अभी ये देखिए ऋषि उनकी नई साइकिल। हाय बोल दो। हाय। अरे मत बोलो आग जो है सेक रहे हम लोग, थोड़ा धुआं भी लग रहा है, और ऐसी हालत मैंने इसलिए बनाई है, मत करो, ऐसी हालत मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, और संडे का दिन ऐसा ही दूसरा है। सॉरी गाइस, थोड़ा अंधेरा है तो मैं थोड़ा उजाला कर लेती हूँ। तो संडे का दिन ऐसा ही बीता है मेरा, जो भी मैंने कि आप लोगों से शेयर किया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। कोई रूटीन नहीं है, बस पहले वहाँ ससुराल से आने के बाद ये पहला संडे था मेरा और ऐसे बीता, तो अच्छा भी लगा। थोड़ी तबीयत शायद थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, और अभी बस आग सेकेंगे और उसके बाद जाएंगे चाय बनाने के लिए। चलिए देखते हैं कि आगे ब्लॉग में कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। तो ऐसा ही दिन रहा है, और बस व्लॉग में आगे कंटिन्यू करूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा। वहां से आते टाइम मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी क्योंकि ठंड काफी थी, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ससुराल से घर आने तक का जो सफर रहा है काफी लंबा रहा है और काफी मुश्किलों भरा रहा है, बहुत ज्यादा ही ठंड थी, बहुत 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 ज्यादा। मैं आप लोग को बता नहीं सकती कितनी ज्यादा ठंड में मैं थी, और उस टाइम पे मतलब टेम्परेचर मैंने देखा नहीं था, पर आई थिंक यार बहुत ही कम था टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा कोहरा था। उस टाइम में भी थोड़ा बहुत अंधेरा था, और मैंने जो भी क्लिप ली है वो आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। तब तक के लिए बाय गाइस, नेक्स्ट व्लॉग मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय।